नमस्कार, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ नमस्कार न्यूज़ में। तो आपने बहुत सारे डिज़ाइनर्स के बारे में सुना होगा, बहुत नाम है मार्केट में उनका, और ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हो गए। तो उसी तरह से सृष्टि भी एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है जो ज्वेलरीज को डिज़ाइन करती हैं और नए नए ट्रेंड्स लेकर आती है कि हमें ज्वेलरीज को कैसे वेयर करना है। तो आज हम आए हैं सृष्टि के स्टूडियो में और मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या खास है उनकी ज्वेलरीज में और कैसे वो काम कर रही है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी ज्वेलरीज में ऐसी क्या खास बात है जो लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी ज्वेलरी से। नीलम, एक्चुअली आई वॉज इन टू मैं एक्चुअली पहले डायमंड ज्वेलरी कर रही थी। सो डायमंड ज्वेलरी करते करते मुझे ऐसा लगा कि हमको जड़ाऊ भी करना चाहिए। जड़ाऊ अपने इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो लोग सिर्फ ट्रेडिशनली वेयर करते हैं, द वे आई एम वेयरिंग दिस, सो दिस इज़ कॉल्ड अ जड़ाऊ सेट। तो आजकल के टीनेजर्स हैं, काफ़ी यंग जनरेशन है, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड टेक दिस ट्रेंड एंड स्टाइल इन इंडिया एंड शो देम दैट यू कैन वेयर अ हैवी सेट ऑन योर ब्लेजर्स, ऑन योर गाउन्स, on any dress. Yeah, so the same way, see, you can see the earring. So if you don't want to wear this necklace, just wear this earring and it looks like a statement jewelry. So I have come up with the style in India ki jadao can be worn on any dress and you can style it as a statement jewelry. Okay. तो आपने स्टेटमेंट ज्वेलरीज का ट्रेंड लेकर आया है कि हम मतलब ब्लेजर्स पे एंड गाउन्स पे एंड शॉर्ट्स पे, जो भी हमारे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं उन पे वेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन वेयर ऑन जीन्स एंड शर्ट्स एज वेल। अभी रिसेंटली मैंने मेरे क्लाइंट्स को झुमके बना के दिए हैं, सो दे आर विद इनामलिंग मीना वर्क। जैसे मीना है ये ग्रीन कलर का, राइट? सो मैंने उनको बना के दिया है वाइट मीना एंड पिंक मीना, एंड उन्होंने वाइट शर्ट एंड जीन्स पे वो झुमका पहना है एंड इट लुक्स ऑसम। सृष्टि, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में रुझान, मतलब कि इंटरेस्ट कैसे आया। एक्चुअली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में मेरा रुझान आया, मेरी सिस्टर है, शी वॉज डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग, तो मुझे भी कुछ करना था, पैशनेट थी शुरू से, तो उसने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया एंड दैट टाइम शी जस्ट आस्क मी कि कैन यू एनरोल फॉर ज्वेलरी, बिकॉज एंड ज्वेलरी दैट टाइम इट वॉज लाइक वेरी न्यू इन द मार्केट। और उसकी एक फ्रेंड थी, शी वॉज विथ हर एज अ पार्टनर, दोनों जन काम कर रहे थे, सो आई सेड येस टू इट एंड जस्ट एक बेसिक नॉलेज लिया मैंने वहाँ से एंड आई स्टार्टेड माई जॉब एज असिस्टेंट टू प्रोडक्ट मैनेजर इन गोल्ड स्टार कंपनी और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू। सृष्टि, आपको पता है हर फील्ड में आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है और कहीं भी हम अपनी कोई भी फील्ड चुनते हैं या हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये आज आप एक लेवल पर हैं, आपको लोग जानते भी हैं, आपकी ज्वेलरीज बहुत फेमस है, तो आपको मतलब कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और क्या क्या मतलब आप कॉम्पिटिशन झेलना पड़ रहा अभी आपको? सी एज सच अगर आप मुझे बोलोगे कॉम्पिटिशन, सो मुझे ऐसा नहीं लगता देर इज़ अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज आई बिलीव इन कॉन्ट्रास्ट, जो चल रहा है उससे हट के कुछ करो। तो मैं ये देखती हूँ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है एंड वॉट डिफरेंट आई कैन डू, बिकॉज आई एम अ डिज़ाइनर। तो मैं जब देख रही हूँ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, समबडी इज़ डूइंग डायमंड ज्वेलरी, समबडी इज़ डूइंग गोल्ड ज्वेलरी, समबडी इज़ डूइंग एंटीक ज्वेलरीज। मैंने देखा जड़ाऊ हमारे ज़माने में, यानी मॉम के ज़माने में, दादी के ज़माने में चलता था एंड नाउ इट्स अगेन हैव कम अप, अभी अभी शुरू हुआ है। तो मैंने कहा वाई नॉट वी शुड हाईलाइट इंडिया, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी है, दैट इज़ वी कॉल कि डायमंड एक्सपोर्ट होता है और फिर इम्पोर्ट होता है, तो बाहर से आता है, सो वाई नॉट इंडियन ज्वेलरीज आर हाईलाइटेड, कि अगर हम यहाँ बना रहे हैं देन दे शुड बी हाईलाइटेड एज अ स्टेटमेंट ज्वेलरी।
तो सृष्टि का ज़्यादातर यही रहता है कि उनको जो भी डिज़ाइन करना है वो सबसे हटके होना चाहिए, कंपटीशन से उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको सबसे जो भी करना है वो हटके ही करना है। तो सृष्टि, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका जो भी है, जो भी डिज़ाइंस कर रही हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आपका तो फ़िलहाल आपने बताया जड़ाऊ ही है, और अभी आपका नया क्या चल रहा है? नया मेरा ये हुआ है कि आई हैव कम अप इन अ बुक, कॉफ़ी टेबल बुक। सो दिस इज़ अ WJA डिज़ाइनर्स ऑफ इंडिया, वेयर आई इवन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस बुक। सो दिस इज़ माई पेज। So we are there, like 15 designers are there in this book. Okay. So मैं भी एक हूँ इसमें. So this is my page. So this is my statement necklace, which I'm wearing. Yes, which is I'm wearing. Then this is my diamond jewelry. Now this is a sarpeach. ये शादी के टाइम पे हम साफे पे पहनते हैं. तो मैंने ये वो बनाया है. So name is sarpeach. Sarpeach. Yeah. सो इसको मैंने मल्टी पर्पज बनाया है. लाइक यू कैन वेयर सरपीच एज अ ब्रोच ऑन शेरवानी, वी कैन वेयर ऑन अ साड़ी एज वेल, एंड प्लस वी कैन वेयर इट एज अ नेकलेस। वेरी नाइस। सो दिस इज अ मल्टी पर्पज। तो आप देख सकते हैं सृष्टि ने एक सरपीच भी डिज़ाइन किया है जिसको हम मल्टी पर्पजली यूज कर सकते हैं, नेकलेस के तौर पे भी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल लोग चाहते भी हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ मिले कि थोड़े में ही निपट जाए। यस yes. yes. कि एक चीज़ है उसको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया आपने। यस एंड मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ, प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती हूँ, मार्केट रिसर्च भी करती हूँ, प्लस मैं सिखाती, मतलब मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ मैं सिखाती भी हूँ स्टूडेंट्स को। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, हमारी इंडिया में अभी तक बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, एक आप एक बिजनेस कर रहे हो तो क्या होता है, एक टाइम के बाद में, लाइक से 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में, एक सैचुरेशन आ जाता है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर स्टक। तो यू नीड समवन to guide you or to take out of you with that situation. तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा 19 years complete हो गया है market में, so जो मेरा experience है उससे मैं लोगों को ये courses बनाऊँ और उनको सिखाऊँ, and I should not सिखाऊँ, you can say that I can guide them. सृष्टि, आजकल तो ज्वेलरीज का ट्रेंड चल ही रहा है, देखा जा रहा है इंडो वेस्टर्न पे भी एंड वेस्टर्न पे भी, हर ड्रेस पे ज्वेलरीज वेयर की जा रही हैं। तो सृष्टि ये बताइए कि जैसे हम मार्केट में निकलते हैं, लोकल मार्केट हो गया, लाइक बाजार टाइप हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ज्वेलरीज की सेल लगी होती है, आजकल लोग शॉप्स पे भी बैठे होते हैं लेके, और बहुत खूबसूरत ज्वेलरीज होती हैं, ऐसा नहीं है? तो एक डिज़ाइनर ज्वेलरी में और उनकी ज्वेलरी में मतलब क्या डिफरेंस? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली जो ज्वेलर्स की ज्वेलरी होती है, तो अगर मैं आपको बोलूँ, लाइन से दुकानें होती हैं, आप एक दुकान में जाएंगे, आपको वो पसंद आया, सपोज वही दो दुकान छोड़ के आप जाएंगे, शायद आपको वो पीस सेकेंड थर्ड शॉप में मिल जाएगा। डिज़ाइनर ज्वेलरीज में क्या होता है, लाइक हम सबसे पहले उसको पेज पे बनाते हैं जी, और ये जैसे ये मैंने बनाया जी, ये मेरा एक ही पीस बनेगा, इसका मैं सेकेंड रिपीट नहीं करूँगा। सो डिज़ाइनर ज्वेलरी मीन्स दैट इज़ नॉट रिपीटेड अगेन। So this is the difference between the normal jewelers and the designers. One more thing, sorry. I want to say that India mein hai na, designers ko itna recognize nahi kiya gaya abhi tak. Yes. So is interview se main ye bolna chahungi ki we should be recognized by our market, that whatever we design and we style you. So at least humko wo recognition milna chahiye, वो फोकस मिलना चाहिए और एक अवेयरनेस होनी चाहिए इंडियन मार्केट में।